हेलो नमस्कार सत श्री अकाल, मैं हूं सान्याल और मैं हूं शिफाली एंड दिस इज येट अनदर डे इन दुबई। तो फिलहाल अभी दुबई में दुबई शॉपिंग फेस्टिवल चल रहा है जिसके कारण अच्छा खासा डिस्काउंट हर एक शॉप में मिल रहा है, तो हम शॉपिंग करने जा रहे हैं ग्लोबल विलेज। हम ग्लोबल विलेज आ गए हैं, चलिए टिकट लेते हैं। तो यहाँ का टिकट 20 धीरम का है, हमने 4 टिकट लिया, टोटल 8 धीरम हुआ। यहाँ पे मंथली पास भी बनता है, अगर आप पास बनवाना चाहें, अगर आप एक से ज्यादा बार एंट्री चाहते हैं तो उसके लिए आप पास बनवा सकते हैं, वरना वन टाइम टिकट इज ऑफ 20 धीरम। I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up, nah, I ain't a quitter. Toss me the ball, I'm a really big hitter. Big Dubai mein Hindustan ki chai. Got juice, got gas, I'ma move fast. New shoes, new tracks, like who's that? I'm new, come back, better than last. Yeah, it's a new me, never gonna look back. तो ये मेरे पीछे इंडिया का पवेलियन आप देख सकते हैं। मेरे साथ अक्सर ऐसा होता है ना कि जब भी मैं किसी फॉरेन लैंड पे अपनी कंट्री का रिप्रेजेंटेशन देखता हूँ किसी भी फॉर्म में, इधर फ्लैग या इस टाइप का कुछ, मुझे बहुत प्राउड वाली फीलिंग आती है। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो प्लीज कमेंट में मेरे को लिख के बताएं। Never gonna look back. Cause damn, I was built to last. You move slow and I move fast. And that's facts. Only I can make a change. Slowly take a step today. I will never be the same. Cause that's what it takes. एक स्लाइस वेजिटेरियन पिज्जा का दाम यहाँ पे 35 दिरहम है, मैं 2 लेके आया हूँ 70 का। आप प्राइस खुद से कैलकुलेट कर सकते हैं। इंडिया के राइट ऑपोजिट अफ्रीका का पवेलियन बना हुआ है, बहुत ही अतरंगी लग रहा है बाहर से देखने में। लेट्स गो इनसाइड। ये फ्लोटिंग मार्केट है, ग्लोबल विलेज के बीचों बीच एक छोटा सा लेक है जिसके साइड में बना हुआ है। दिखने से आपको ऐसा लगेगा कि सारे बोट्स फ्लोट कर रहे हैं, बट एक्चुअली में सारे बोट्स अटैच्ड हैं अपने साइड से। दिखने में बहुत ही खूबसूरत है ये। और ये आप देख सकते हैं पाकिस्तान का पवेलियन है ये, और उसके बगल में अलसाना है, और उसके जस्ट बगल में यूएई का पवेलियन है जहां हम अभी हम जा रहे हैं। अगर टाइम रहा तो पाकिस्तान भी जाएंगे। मुझे ग्लो इन द डार्क टी शर्ट चाहिए थी जो कि मूव कर दिया, आई गॉट इट इन पाकिस्तान का स्टॉल। और ये है पाकिस्तान का बाजार, काफी सुंदर बना रखा है इन्होंने। और यही से शिफाली शॉपिंग कर रही है, डिसाइड नहीं कर पा रही ना इसमें कुछ प्रिंट नीचे कराऊं या खाली रहूं। ये टर्की का पवेलियन है एंड गेस व्हाट, पहली दुकान टर्किश आइसक्रीम। तो ग्लोबल विलेज में 2-3 घंटे कैसे पार हो गए पता ही नहीं चला। मैं पहले कंफ्यूज था कि वर्ल्ड एक्सपो 2020 और ग्लोबल विलेज कहीं सेम सा ना हो, बट बहुत डिफरेंसेस है दोनों में। वर्ल्ड एक्सपो 2020 में एग्जीबिशन है कंट्रीज का, कंट्रीज अपने लाइफस्टाइल अपने कल्चर को रिप्रेजेंट कर रही है, वहीं ग्लोबल विलेज एक बहुत बड़ा शॉपिंग सिटी है। यहाँ पे आप आओगे और 2-3-4 घंटे आप शॉपिंग करते करते निकल जाओगे, वो भी हमने इनफैक्ट पूरा नहीं घूमा। हम 4-5 कंट्रीज के शॉपिंग स्टॉल पे गए थे और हमने इतना ज़्यादा शॉपिंग कर लिया, बैग्स बहुत ज़्यादा हेवी हो चुके हैं। 11 बज चुके हैं, अब हम जा रहे हैं अपने होटल। आज हमारा दुबई में लास्ट डे है और हम आज शॉपिंग कर रहे हैं, फुल डे आज हमारा फ्री है। तो अभी हम गोल्ड सुक आए हैं, कुछ गोल्ड की शॉपिंग करेंगे और ये बहुत अच्छा सा मार्केट दिख रहा है, तो देखते हैं यहाँ क्या क्या मिलता है।
अभी मालाबार से शॉपिंग करी। यहाँ पे बहुत सारी दुकानें हैं गोल्ड की, लेकिन हमें ना कुछ समझ नहीं आ रहा कि वेदर यहाँ पे हमें मतलब बिलीव नहीं हो रहा इतना ज़्यादा कि हमें लेना चाहिए या नहीं उन शॉप से। मालाबार एक नोन ब्रांड है तो इसलिए हमने वहाँ से शॉपिंग करी। एंड आई वुड रिकमेंड कि आप कोई नोन शॉप से ही ख़रीदें जब भी आप गोल्ड खरीदें। हमने सामान ख़रीदा है गोल्ड का और अब हम चलते हैं। तो हमने आज का पूरा दिन डेडिकेट किया था शॉपिंग के लिए। अब हम वापस होटल आ गए हैं और यहाँ से हमारा एयरपोर्ट ट्रांसपोर्ट अरेंज्ड है, तो हम एयरपोर्ट जाएंगे और जाएंगे वापस दिल्ली। तो हम दुबई एयरपोर्ट पहुँच चुके हैं दिल्ली जाने के लिए और गेट अभी तक खुला नहीं है। हम एक्साइटमेंट में बहुत जल्दी पहुँच गए थे और डर भी था एक कि जो दिल्ली में हमारे साथ हुआ वापस दुबई में ना हो जाए। बट 15 मिनट में गेट खुलने वाला है, काफी इंजॉय कर रहे हैं, सो फार सो गुड। तो ये था दुबई में हमारा आखिरी दिन। अगर आपने हमारे दुबई के और ब्लॉग्स नहीं देखे हैं तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।